बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक प्लांट लेके आई हूँ। जैसे मैं कभी प्लांट और कभी आपके पास एक वेस्ट मटेरियल पर वीडियो शेयर करती हूँ, तो आज मैं आपके पास एक प्लांट की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इस प्लांट को देख के आपको लग रहा है कितना सुंदर प्लांट है। वैसे शायद आप इस प्लांट को अच्छी तरह जानते हुए, क्योंकि मोस्टली सब इस प्लांट को रखते हैं। अगर नहीं भी आपको पता है या आपके पास नहीं है, तो चलिए पहले मैं इस प्लांट के बारे में आपको इसका नाम बता देती हूँ। इसका नाम है बोगनवेलिया। तो बोगनवेलिया एक ऐसा प्लांट है जो मोस्टली सबके घर में इजीली मिल जाएगा। इसकी खासियत बताऊं तो वो ये है कि ये सर्दी में यानी कि विंटर और समर दोनों में खिलता है, या फिर ये कह सकते हैं हम दूसरी भाषा में कि ये साल में दो बार खिलता है। मतलब सदाबहार प्लांट है। जब गर्मी जाएगी तो सर्दी में खिलना शुरू हो जाएगा, और अगर विंटर चला जाता है तो फिर समर में इसका खिलना शुरू हो जाता है। तो इस हिसाब से ये सदाबहार चलता ही रहता है। एक सीज़न जाने के बाद दूसरे सीज़न पे खिलता रहता है। इसमें आपको वैरायटी बहुत सारी मिल जाएंगी, कलर इतने सारे मिलेंगे आपको। आप चाहे तो इसके सारे कलर लगा सकते हैं, और चाहे तो अपनी मर्जी से एक कलर लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसका एक प्लांट आप ज़रूर लगाएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप बड़ा समझ के जोर सोचें कि हम नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी कटिंग भी हो सकती है, प्रूनिंग करते रहिए तो ये अपनी शेप में बना रहता है। आप छोटे से छोटे पॉट में भी इजीली लगा सकते हैं। कलर इसमें आपको वाइट और येलो, रेड, मजेंटा, पर्पल, काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे। और रही बात इसकी प्राइस की, बात अगर मैं कहूँ तो 100 या 150 तक आपको आराम से मिल जाएगा। शायद छोटा आपको थोड़ा और कम प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। तो ये मेरा 3 साल हो गया है अभी, इसका मुझे अच्छी तरह ये भी नहीं पता, क्योंकि ये मेरा गार्डनर लेके आया था प्लांट। और ताज्जुब की बात है कि ये सारे प्लांट मेरे एक ही कलर के हो गए, क्योंकि वो हमें पता नहीं था कि ये कलर दूसरा निकलेगा। तो इसमें आपको देसी और हाइब्रिड दोनों मिल जाएंगे। या फिर ये कहिए कि अगर आप इसको छोटा रखना चाहते हैं तो आपको छोटी ब्रीड का भी आराम से प्लांट मिल जाएगा। आप इसे बालकनी में भी ज़रूर रख सकते हैं। और अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो उसे भरने के लिए भी आप इसे बाउंड्री के पास या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ आपको लगता है कि बेल यहाँ की अच्छी कवर कर जाएगी, मैं ये नहीं बता सकती, वो आप पर डिपेंड करता है, तो ये वहाँ के लिए भी बहुत अच्छा प्लांट आपके लिए साबित होगा। और ये भी बात है इसकी कि अगर आप इस प्लांट को लाते हैं तो पहले साल भर तक तो ये प्लांट थोड़े कम फ्लावर देता है, थोड़े कम, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता रहता है वैसे वैसे इसकी फ्लावरिंग बढ़ती रहती है। जितने फूल इसके झड़ते हैं उतने ही फूल इस पर आते रहते हैं। तो अगर आप इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये शेप में तो बना रहेगा, लेकिन साथ ही और अच्छी फ्लावरिंग देता रहेगा। और प्रूनिंग करनी भी चाहिए, लेकिन इसकी प्रूनिंग आप कभी अभी जब भी करें, फ्लावरिंग के बाद करें, जब एक सीज़न में फ्लावरिंग आ चुकी हो तब करें। और इसकी एक ख़ास बात और भी बताती हूँ मैं आपको कि बहुत से क्या करते हैं ना, कि जैसे हम आपको हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि पानी हम ज़्यादा देते हैं गर्मी में भी सर्दियों में भी, ताकि हमारे प्लांट सूखे ना रहे। तो ऐसा नहीं है, इस प्लांट के साथ एक कमी यह है कि इसमें हम ज़्यादा पानी अगर दे देते हैं, सपोज़ करो कि हम दिन में 2 बार का हम इस पर पानी डाल देते हैं, तो इसकी जो फ्लावर्स है, जो फ्लावरिंग देना का जो सिस्टम है वो कम हो जाएगा। तो ये फ्लावरिंग देना कम कर देगा, इसलिए कोशिश करें कि इसमें एक ही टाइम पानी दें और उसका टाइमिंग जो है एक ही रखें। अगर आप सुबह को दे रहे हैं तो सुबह की रखिए, और अगर आप शाम को दे रहे हैं तो शाम की रखिए। और कोशिश करें दोपहर को ना दें, क्योंकि दोपहर में यहाँ भी धूप तेज रहती है, कोई भी प्लांट आपका जल सकता है, चाहे फिर आपका लॉन्ग टर्म चलने वाला प्लांट क्यों ना, क्योंकि ये भी एक लॉन्ग टर्म चलने वाला प्लांट है। और इसमें अगर आप डोरी बांध देंगे या कोई सपोर्ट बांध देंगे तो उससे ये क्या है, ऊपर बढ़ता जाएगा, नीचे से कम होता जाएगा और ऊपर बढ़ता जाएगा, फैलता जाता है। इसमें कांटे हैं तो इसलिए आप इसको किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ रास्ते में ना आए ये प्लांट और किसी से ना लगे, क्योंकि चुभने का डर रहता है। तो एक कॉर्नर टाइप की कोई भी स्पेस आप लें इसके लिए, ताकि ये प्लांट चलता रहे। और इसके लिए अगर आपको बड़ा गमला चाहिए तो आप बड़े गमले लगा तो सकते हैं, लेकिन एक छोटे या बड़े प्लांट के अकॉर्डिंग ही लें। अगर आपको छोटा प्लांट लगाना है तो आप छोटे गमले ले सकते हैं, छोटा पॉट ले सकते हैं। मेरे पास थोड़ा बड़ा है तो मैंने ये बड़ा वाला लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाया मैंने आपको अभी। और अगर आपको छोटा लगाना है तो आप छोटे गमले में, जैसे ये छोटा प्लांट,
गमला है मेरा पॉट है, आप इस छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बस कटिंग करते रहिए तो ये अपना उसी में रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि पानी देने के बाद आप जो इसके ये पत्ते इसके झड़ जाते हैं उन पत्तों को भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उन पत्तों को भी आप क्या करें इसके गमले में मतलब पॉट में ही डाल दें। उससे क्या है ये खाद का काम करेगा। उससे एक फ़ायदा और भी है कि जो पत्ते इसमें गिरते रहते हैं उससे इसमें नमी मिलती रहेगी और गर्माई मिलती रहेगी। पत्तों को कभी फेंकना नहीं चाहिए, ना फूलों को ना पत्तों को, मैं कभी भी नहीं फेंकती। जितनी भी इसके पत्ते या फूल वगैरह झड़ते हैं मैं उठा के इनको अलग अलग पॉट में डाल देती हूँ। अब रही बात इसकी कि हम इसको एक से दो कैसे करें, तो उसके लिए हम जब बरसात आती है सीज़न आता है हमारा हम तभी कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी 5 प्लांट है तो मैंने अभी तक इसकी कटिंग तो नहीं की है, लेकिन हाँ कटिंग ईजीली हो जाती है। इसकी स्टेम को आप लेकर जैसे ये अभी पतली स्टेम आप देख रहे हैं वो ले हैं, लेकिन आपको एक मोटी स्टेम लेके इसकी उसको कटिंग कम से कम 5 इंची कटिंग लेके आप इसको बरसात के टाइम पे लगा सकते हैं, तो ये अपना एक प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने नहीं की है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा कर सकती हैं, किसी के पास मिल जाए या कहीं टंगी हुई आपको ये वाइन मिल जाए तो आप वहाँ से काट के भी ला सकते हैं और लगा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सभी के घर में आपको प्लांट मिलेगा। और अगर नहीं भी है तो आप नर्सरी से भी इसको ईजिली ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं और क्या बताऊँ आपको, वैसे बहुत अच्छा प्लांट है, मेरे पास की कई वैरायटी हैं, सभी वैरायटी बहुत अच्छी चल रही हैं। इस समय भर के खिल रहा है और पूरी सर्दी खिलेगा ये, और जैसे जैसे गर्मी का सीज़न शुरू होगा वैसे वैसे ही जो प्लांट के पत्ते हैं वो झड़ने लगेंगे और फिर इस पर समर के प्लांट यानी कि समर के फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और अगर आपको अच्छा लगा ये प्लांट तो आप इस प्लांट को ज़रूर लेके आइए, और अगर आप चाहते हैं इसके बारे में कुछ भी और जानना तो आप मुझसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन इस प्लांट को जरूर लेके आइए। और अगर आपको प्लांट वाकई में आपको लाना है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज के लिए नहीं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।